नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट ट्राइन। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की एक बड़ी कार्रवाई के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल आज सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी कार्रवाई की है और जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत की हर बड़ी कार्रवाई का जवाब देने का दावा करने वाले पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है। और आपको बता दें, भारत की एयर स्ट्राइक का आकलन करने और साथ ही आगे की रणनीति को तय करने के लिए पाकिस्तान ने आपात बैठक बुलाई है। दरअसल भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया। उन्होंने ये तो मानने से साफ इनकार किया कि किसी बड़ी कार्रवाई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में अंजाम दिया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया कि कल भारतीय वायुसेना ने LOC पार कर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई के चलते भारतीय जो वायुसेना के विमान थे वो वापस अपनी सीमा पर लौट आए। लेकिन भारतीय वायुसेना यह दावा कर रही है और यह तमाम जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और लगभग 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। इस कार्रवाई के बाद इतना तो साफ है कि पाकिस्तान ये कभी नहीं मानेगा कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंक को तबाह किया है। लेकिन इसके बाद, इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत की हर एक कार्रवाई का जवाब देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि एक आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय वायुसेना ने जो भी कार्रवाई की है उसको लेकर वो इमरान खान को इस बारे में तमाम जानकारी देंगे। हालांकि उन्होंने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है, लेकिन आज आपात बैठक पाकिस्तान ने बुला ली है और जिसके बाद भारत में भी भारतीय वायुसेना के जो तमाम एयरबेस हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। क्योंकि इतना जरूर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट साफ उनके बयानों में छलक कर सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये माना नहीं गया है कि हाँ ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन उनके बयानों में इतना साफ है कि वो जिस तरीके से उन्होंने आपात बैठक बुलाई है उसमें कोई आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, जिसका जवाब देने के लिए भी भारतीय वायुसेना समेत तमाम जो सेना है भारत की वो पूरी तरीके से तैयार है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।